शासन प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद राशन दुकानदार सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपातकालीन समय और लॉकडाउन में गरीब पात्र कार्ड धारक को राशन उपलब्ध हो सके इसके लिए शासन ने सख्त आदेश दिए हैं, लेकिन हम नहीं सुधरेंगे इस बात को ताजगंज क्षेत्र के कोटेदार साबित कर रहे हैं। प्रमुख सचिव आलोक कुमार की आगरा में मौजूदगी और उनके आदेश का प्रभाव ताजगंज क्षेत्र में दिखाई नहीं दिया, जबकि डीएस उमेशचंद मिश्र ने सर्वर और नेट की समस्या को देखते हुए राशन वितरण में नए नियमों को लागू किया है। और जैसा कि मैंने बताया है कि 1, 2, 3 तारीख में सर्वर भी बिजी रहता है, भीड़ लग जाती है, लोगों को लगता है कि अगर आज नहीं गए तो राशन नहीं मिलेगा। ऐसा कदापि ना करें। 1 तारीख को 0 अंक वाले, 2 तारीख को 1 अंक वाले, 3 तारीख को 2 अंक वाले जिनके राशन कार्ड का अंतिम अंक 2 है वो आए और राशन ले जाएं। इससे जो है भीड़ भी कम होगी और आसानी से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम राशन वितरण करा सकेंगे। शासनादेश के अनुपालन में अखबारों, टीवी चैनल और सोशल मीडिया के माध्यम से कोटेदारों से अपील की गई थी कि गरीब पात्र कार्ड धारकों की सुविधा के लिए सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक दुकान खोलकर राशन वितरण किया जाए, लेकिन ताजगंज क्षेत्र के कुछ कोटेदार शासन प्रशासन और डीएसओ के आदेशों की धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए। समय से पहले दुकान बंद कर घर चले गए गरीब पात्र कार्ड धारक ताकता रह गया। राशन लेने आए थे परम मंजू देवी की, तो क्या राशन मिल पाया आपको? नहीं। तो कैसे आज क्यों नहीं मिल पाया, क्या कारण है? ऐसा था, हमें ये इस विषय के पता नहीं था कि आज 0 अंक के नंबर के हिसाब से राशन मिलेगा, पर ये जानकारी अभी हमें आज 15 मिनट पहले मिली, तो मैं तुरंत अपना लेने आया तो हमें दुकान बंद भी ली है। और सूचना मिल पाई कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा? अभी कोई सूचना नहीं मिली है, दुकान ही बंद मिली है तो सूचना कौन देगा? ये मंजू देवी के नाम से है और इसको चलाने वाले अकील हैं, उनके बेटे हैं तो वो लोग चलाते हैं। दुकान उन्होंने करीब बंद कर दी है, करीब 1-1.5 बजे तक बंद कर दी है उन्होंने। हाँ, 1-1.5 बजे बंद कर देती है। हाँ, किसके नाम से दुकान है ये? ऋषि बनिया। ऋषि बनिया के नाम से। ऋषि बनिया के नाम से तुम क्या करते हो यहाँ पर? मैं तो सर बोरी खोलता हूँ। बोरी भरते हो? बोरी खोलता हूँ। बोरी खोलते हो, राशन बांटते हो नहीं बांटते हो? राशन दूसरा लड़का भरता है। अच्छा, कितनी देर हो गई दुकान बंद हुए? 5 बजे पड़ाई सर। 5 बजे दुकान बंद कर दी थी? हाँ जी सर। कितने लोगों को दे दिया होगा राशन होना? ये 75 लोगों का कार्ड बता रहे थे सर, जिसमें से मशीन नहीं चल रही थी, कुछ कार्ड रह गए हैं सर, वो सवेरे बता रहे सवेरे दिए। 5 बजे बंद करके चले गए? हाँ जी। इससे पहले बंद करके 5 तो अभी बज रहा है। हाँ, तो अभी बजे अभी गए हैं सर, 4:30 बजे कहीं बंद कर दी। हाँ जी, ये समझ लो 4:30 बजे। विजय सिंह जी, हाँ। आप ही के नाम से? हाँ, राशन की दुकान? हाँ, मेरे नाम। हाँ नहीं, वो तो ये कह रहे जब नेटवर्क नहीं चल रहा है और जनता परेशान हो रही है तो इनको टाइम दे दो, जिससे ये कल से अपना मशीन चल जाएगी। आज बंद कर दो। हाँ, क्या नाम था? नाम मेरी जानकारी नहीं, नए आए हैं वो, उनका डायरेक्ट। पिछली बार 7 इंडिया न्यूज द्वारा कोटेदारों का सच दिखाने पर ताजियों इंस्पेक्टर भ्रष्ट कोटेदारों के पक्ष में खड़े दिखाई दिए और मीडिया कर्मियों पर आरोप लगाने से नहीं चूके। शायद सप्लाई इंस्पेक्टर का संरक्षण का असर है कि कोटेदारों को किसी का खौफ नहीं रहा और मनमानी कर रहे हैं। रसद एवं खाद्य विभाग उत्तर प्रदेश और शासन प्रशासन के आदेशों की धज्जियां उड़ाने का कौन जिम्मेदार है, एडीएम सप्लाई, डीएसओ या फिर ताजगंज क्षेत्र सप्लाई इंस्पेक्टर? अब देखना ये होगा कि क्या शासन के आदेश के अनुपालन में राशन का वितरण होगा या फिर मीडिया कर्मियों पर आरोप लगाकर अपनी कारगुजारियों को छिपाते रहेंगे अधिकारी। 7 इंडिया न्यूज के लिए विकास सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट। प्रवेश प्रारंभ, संपर्क करें महादेवी मेमोरियल गर्ल्स इंटर कॉलेज नई आबादी अजीता का नगला आगरा, संपर्क करें 9927087687। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा नाम आगरा वनस्थली विद्यालय मेकफ्री ग्रुप दे रहा है उचित सुविधाओं के साथ गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा। डॉलिस पब्लिक स्कूल बल्केश्वर आगरा, आगरा वनस्थली प्राइमरी विद्यालय ट्रांस यमुना कॉलोनी आगरा, AVMD इंस्टीट्यूट ग्राम सवाई एतमादपुर आगरा, समस्त विद्यालयों में उच्च प्रशिक्षित शिक्षक, साइंस लैब, लाइब्रेरी और स्टूडेंट्स के लिए बस सुविधा उपलब्ध है। CBSE नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त कक्षा 12वीं तक के छात्रों के लिए साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के विषय की सुविधा दी जाती है। पढ़ेगा देश तो बढ़ेगा देश की सोच के तहत मेकफ्री ग्रुप के विद्यालय आपके नौनिहालों का भविष्य संवारने का काम कर रहे हैं। प्रवेश प्रारंभ, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9897189067 व 9412395795।